पिछले दिनों छतरपुर के एक मामले ने देश में काफी सुर्खियां बटोरी थी। यहां कथा करने आए कथावाचक के शिष्य ही यजमान की पत्नी को लेकर भाग गया था। अब इस मामले में नया ट्विस्ट आया है। इस पूरे मामले में महिला का बयान सामने आया है और महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल तिवारी और राहुल दुबे, लल्लू तिवारी का दामाद, ये सब लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं मारने की कि अगर या तो छतरपुर आओ। जब हम सब कुछ करके आए हुए हैं, अपनी मर्जी से आए हुए, फिर क्यों ये लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं सब लोग। नहीं, ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हम कुछ भी लेके नहीं आए हैं। हम सिर्फ एक साड़ी पहन के निकले थे घर से, उनका मंगलसूत्र भी वहीं छोड़ के आए, कुछ भी लेके नहीं आए। वहीं कथावाचक धीरेन्द्र आचार्य ने भी इस पूरे मामले में अपनी सफाई दी है। नरोत्तम हमारा शिष्य तो नहीं था, लेकिन सेवा के तौर पे साथ रहता था, हमारी सारी व्यवस्थाओं को देखता था, गाड़ी भी चलाता था, कभी कभी कैमरा भी चलाता था, कथाओं में लाइव चलाता था। और जिस दिन से हमें उसका कृत मालूम चला, क्योंकि जिसकी बहू लेकर भागा है वो भी हमारा शिष्य है, और जिस दिन से उसका हमें कृत मालूम चला तो हमने उसका परित्याग कर दिया। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, हमने उसे अपने पास से भगा दिया हमेशा। दरअसल पूरे मामले में महिला ने पति के साथ रहने से इनकार करते हुए धीरेन्द्र आचार्य के शिष्य नरोत्तम दास दुबे के साथ रहने की इच्छा जताई थी। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।